आईपीएल सीजन 2022 का मैच नंबर 25 नवी मुंबई के ब्रिबॉन क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। मुकाबला होगा आईपीएल की दो सफल टीमों के बीच। एक तरफ है टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, वहीं दूसरी तरफ है टेबल में आठवें नंबर पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद। कोलकाता ने इस सीजन में अब तक ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मुकाबलों में टीम ने बाजी मारी है। वहीं हैदराबाद ने 4 में से 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं। नेट रन रेट भी हैदराबाद की टीम के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। केकेआर की टीम +0.446 के नेट रन रेट और 6 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि हैदराबाद की टीम का नेट रन रेट -0.501 है। हालांकि टीम ने कोलकाता की अपेक्षा 1 मुकाबला कम खेला है। केकेआर की टीम ने सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई को 6 विकेट से हराकर पिछले बार फाइनल्स में मिली हार का बदला चुकता किया था। दूसरे मुकाबले में टीम को आरसीबी के हाथों 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे मुकाबले में टीम ने पंजाब को 6 विकेट से हराकर वापसी की। चौथे मुकाबले में टीम ने धाकड़ मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से पटकनी दे दी, जबकि पांचवें मुकाबले में टीम को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 44 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बात हैदराबाद की करें तो टीम को पहले मुकाबले में राजस्थान के हाथों 1/64 रनों से मुंह की खानी पड़ी। दूसरे मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ 12 रनों से हार मिली, जबकि तीसरे मुकाबले में चेन्नई को 8 विकेट से हराकर टीम ने शानदार वापसी की। अगले मुकाबले में गुजरात को 8 विकेट से हराकर टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दोनों टीमों के कप्तानों की बात करें तो कोलकाता के नव नियुक्त कप्तान श्रेयस अय्यर ने कैप्टेंसी एबिलिटी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी से भी खासा प्रभावित किया है। उनकी कप्तानी में टीम ने दिग्गज टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ है केन विलियमसन, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबले में मिली हार के बाद टीम को एक के बाद एक फिर जीत की राह पर वापसी कराई। अब तक दोनों ही टीम्स अपने गेंदबाजों के ऊपर काफी हद तक निर्भर रही है। कोलकाता के लिए उमेश यादव हीरो बनकर उभरे हैं। उनका बेहतरीन साथ दिया है सुनील नरेन और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने। वहीं हैदराबाद के लिए टी नटराजन के अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी कमाल की गेंदबाजी की है। कोलकाता के गेंदबाज काफी किफायती रहे हैं, जो हैदराबाद के लिए चिंता का सबब साबित हो सकता है। इस सीजन सुनील नरेन ने 4.80, उमेश ने 6.60, साउदी ने 7 और वरुण चक्रवर्ती ने 7.30 की किफायती इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। हैदराबाद के लिए टी नटराजन ने सबसे ज्यादा 8 विकेट हासिल किए हैं, जबकि भुवनेश्वर ने भी काफी किफायती गेंदबाजी की है। हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने पिछले 2 मुकाबलों में 75 और 42, जबकि केन विलियमसन ने 32 और 57 रनों का योगदान दिया है। वहीं पिछले मुकाबले में राहुल त्रिपाठी और निकोलस पूरन ने भी अपने हाथ खोले थे। कोलकाता की बात की जाए तो उन्हें अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। 5 मैच में 130 रनों के साथ टीम के टॉप स्कोरर आंद्रे रसल हैं, जिसमें से विस्फोटक ऑलराउंडर ने पंजाब के खिलाफ मुकाबले में ही 70 रन बनाए थे। वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 1 मुकाबले में 20 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि टीम के कप्तान और भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर महज 1 बार ही 30 से ज्यादा का स्कोर कर पाए हैं। रहाणे ने महज 80 रन तो बनाए ही हैं, साथ ही उनका स्ट्राइक रेट भी महज 100 का रहा है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, जो कि इस मुकाबले से बाहर हैं, उनकी गैर मौजूदगी ने हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उनकी गैर मौजूदगी में टीम को अपने मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जबकि कोलकाता के लिए सैम बिलिंग्स के बीमार होने से चिंता और बढ़ गई है। हालांकि आरन फिंच टीम के साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें कोलकाता की टीम आजमा सकती है। अब बढ़ते हैं दोनों टीमों से जुड़े एक पुराने मुकाबले पर। 24 मार्च 2019 सीजन 12 का मैच नंबर 2 कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था। आमने सामने थी केकेआर और हैदराबाद की टीम्स। मैच में केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। वो फैसला शुरुआत में गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा था। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने धुआंधार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 12.5 ओवर में 118 रन जोड़े, जिसमें डेविड वार्नर का बड़ा योगदान था। इसके बाद रही सही कसर पूरी कर दी विजय शंकर ने। धुआंधार 40 रन बनाए महज 24 गेंदों पर। वार्नर के 85 रनों की धुआंधार पारी की बदौलत टीम ने 185 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद केकेआर की पारी शुरू हुई कुछ इस तरह, जिसकी उम्मीद केकेआर के फैंस को बिल्कुल भी नहीं थी। विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस लिन महज 7 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद नितिश राणा और उथप्पा ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की। हालांकि उथप्पा के आउट होते ही टीम की पारी फिर से लड़खड़ा गई और कप्तान कार्तिक और नितिश राणा भी एक के बाद एक चलते बने। लेकिन इसके बाद आया असली तूफान, टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसल का। उन्होंने महज 19 गेंदों में 48 रनों की धुआंधार नाबाद पारी खेली। इस पारी के दौरान रसल ने 4 चौके
और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी इस बेमिसाल पारी की मदद से केकेआर ने इस मैच को जीत लिया। उस मैच में कमाल का परफॉर्मेंस देने वाले आंद्रे रसल एक बार फिर से हैदराबाद के सामने होंगे। ये खबर आपके लिए लिखी है रवि ने, और ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललित। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।